बस भाई, कैसे हो? बढ़िया। या है कोई ऐसा जो परेशान हो? कोई ना है? चलिए भाई, आप लोगों का पढ़ाई कैसा चला हुआ है? ना पता किसी को तुम लोगों का पढ़ाई कैसा है, कैसा ना है। अरे का तो कह दो ठीक से है भाई। एक रिक्वेस्ट हो रहा दोस्तों, कल यहाँ से किसी निकम्मे ने एक स्टूडेंट की साइकिल को उठा लिया। हाँ, जो भी था। और भाई, अगर कोई शरारती तो शरारत करता मिला तो उसको छोड़ेंगे ना भाई? गलत तो नहीं है? तो भाई देख लियो, ध्यान है कदे छोरी हो, थाम तो नहीं हाथ साफ कर गई हो? चलो भाई, छोड़ो इस बात में। आज दोस्तों, इस क्लास के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं, मैंने जो आप लोगों का जो सेशन चला हुआ है, हरियाणा के कई पार्ट आप लोगों को मैंने बताए हैं, कई सारी चीजों के ऊपर हम अध्ययन कर चुके हैं। तो आज जिस टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे ना, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस टॉपिक की कोई और ना है भाई। किसी न किसी एग्जाम के अंदर एक नंबर दो नंबर देता ही रहता है एग्जामिनर। तो आज एक टॉपिक की शुरुआत होती है और उस टॉपिक का जो नाम पड़ता है, उस टॉपिक का नाम पड़ता है हरियाणा की भौगोलिक स्थिति। हरियाणा जो आता है, किस डायरेक्शन के अंदर आता है, किस डायरेक्शन के अंदर नहीं आता है, हरियाणा की सीमा किन किन से लगती है, किन किन से नहीं लगती है। कई बार एग्जामों के अंदर यही क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है। सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है हरियाणा, सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनाता है हरियाणा। तो ये सारी की सारी बातें जो है ना, आज हम दोस्तों इस टॉपिक के माध्यम से यहां पर पढ़ने वाले हैं। करें शुरुआत भाई। तो आज मुझको पता है भाई, मुझको पता है दोस्तों, मैंने पिछली क्लास के अंदर वो लड़की लगी थी, मैंने तीर्थ वाला टॉपिक चार पांच लिखवा कर छोड़ दिया था, ठीक है ना? अगली क्लास के अंदर उसको ले लेंगे। चलिए, आज एक टॉपिक की शुरुआत होती है और उस टॉपिक का जो नाम पड़ता है, उस टॉपिक का नाम पड़ता है क्या? हरियाणा की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति, जब भी इस टॉपिक का कहीं पर जिक्र होता है हरियाणा की भौगोलिक स्थिति का, तो यहां से कई सारे क्वेश्चन एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली लाइन के अंदर जो पहला क्वेश्चन आता है, कर दे शुरुआत भाई। तो यहां से मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन की शुरुआत होती है और ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सूची के अंदर गिना जाता है। पहला क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछेगा आप लोगों से, वो क्वेश्चन पूछेगा क्या कि हरियाणा भारत के, यहां से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि हरियाणा भारत के किस भाग में स्थित माना जाता है। तो यहां से ये क्वेश्चन आया कि हरियाणा जो है ना, हरियाणा भारत के किस भाग में स्थित है। तो ये बात याद रख लोगे कि ना रख लोगे? यहां से मेरे दोस्त, पहला ही क्वेश्चन हम लोगों ने जो लिखा है, हरियाणा जो है ना वो भारत के किस भाग के अंदर आता है, भारत के उत्तर में आता है, भारत के दक्षिण में आता है, भारत के पूर्व में आता है, भारत के पश्चिम में आता है, आप लोगों के सामने डिमांड रखता है एग्जामिनर। और कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और आपसे सीधा सीधा ये क्वेश्चन मैंने रखा है यहाँ पर कि हरियाणा जो है ना वो भारत के किस भाग में स्थित माना जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने, तो बच्चा इसका जो उत्तर देने में जो है ना,
वो थोड़ा सा संकोच रखता है मन में कि इसका उत्तर हम ठीक कैसे करें, इसका उत्तर हम कैसे लगाए कैसे ना लगाए। देखो आप सभी को पता है जब रीजनिंग वाले सर आप लोगों को पढ़ाते हैं तो आप लोगों के सामने कितने डायरेक्शन देते हैं, चार डायरेक्शन देते हैं कि ना देते, शुरुआत में तो चार देते हैं, चार से भी फिर कहीं ना कहीं हम डायरेक्शन निकाल देते हैं, आठ बन जाती है। पहला ये क्या आता है आप सभी को पता है, उत्तर आता है कि ना आता है, ये उत्तर निकल कर के आया, ये कौन सा निकल कर के आता है, ये उत्तर हुआ। अब आपको याद रखना है दोस्तों क्या, ये दक्षिण आता है। अब इस साइड ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ, इस साइड क्या निकल कर के आएगा, पूर्व निकल कर के आएगा या पश्चिम निकल कर के आएगा। तो हमेशा याद रखना इस उत्तर के राइट साइड के अंदर क्या होता है, आपको याद रखना है ये पूर्व निकल कर के आया और ये क्या निकल कर के आता है, पश्चिम निकल कर के आता है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये चार डायरेक्शन सभी को पता होगा क्योंकि मेरे दोस्त हम बारीकी से पढ़ते हैं। जब हम इन चार डायरेक्शनों के अंदर जाते हैं तो इन चार डायरेक्शनों के अंदर से भी मेरे दोस्त कितनी डायरेक्शन निकल कर के आती हैं, चार और निकल कर के आती हैं। हरियाणा ना तो इस भाग के अंदर आया, ना इस भाग के अंदर आया, ना इस भाग के अंदर आया, ना इस भाग के अंदर आया, लेकिन इनमें से किसी ने किसी भाग के अंदर तो पूछेंगे, यहां तो किसी ने किसी के अंदर आएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे दोस्तों क्या उत्तर पूर्व लिख देंगे, इसको लिख देंगे दोस्तों क्या दक्षिण पूर्व लिख देंगे, या पूर्व दक्षिण लिख दो भाई, इसको लिख देंगे पश्चिम दक्षिण लिख दिया, और इसको क्या लिख दिया उत्तर पश्चिम लिख दिया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है कि हरियाणा जो है वो भारत के किस भाग में स्थित है, आपको याद रखना है दोस्तों क्या, इसका उत्तर लगा करके आना है उत्तर पश्चिम के अंदर। ये बात याद रख लोगे कि ना रख लोगे, मैंने पहली लाइन के अंदर पहला क्वेश्चन जो लिखवाया है, आपसे कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरियाणा जो है ना वो भारत के किस भाग में स्थित माना जाता है, आपको इसका उत्तर क्या लगा कर क्या आना है उत्तर पश्चिम में माना जाता है। बात क्लियर हुआ कि ना हुआ, ये क्वेश्चन कई बार यहां से जितने भी क्वेश्चन अब निकलेंगे ना, ये देख लेना दोस्तों ये किसी न किसी एग्जाम के अंदर 100% पूछे जाते हैं। और आप लोग जितने भी बैठे हो, आप लोगों के पास केवल और केवल 2 से 2.5 महीने हैं, और 2 से 2.5 महीनों के अंदर अगर आप लोगों ने जीत को हासिल कर लिया तो कर लिया, अन्यथा बाद में किस चीज का होगा, केवल और केवल पछतावा होगा, आप लोगों के पास कुछ ना बचने वाला। ये बात याद रखना भाई, आप लोगों केवल बारीकी से शुरुआत से यही बात बोलता आया हूं भाई। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अनुभव हुआ किसी न किसी चीज का, आप लोगों को मैंने इतना निमंत्रण दिया कि मेरे दोस्त कोई भी टॉपिक लेकर के आओ, जितने टॉपिक आप लोगों के हुए हैं, अगर कोई बच्चा किसी टॉपिक को पढ़ने में असमर्थ हुआ है मुझको बताओ आकर भाई, मैं करवाऊंगा आप लोगों को। लेकिन गलती ना करना, अगर गलती किया तो बाद में पछताने के हाल ही हाथ के अलावा कुछ ना बचने वाला। तो पहला क्वेश्चन हमने क्या लिखा, हरियाणा भारत के किस भाग में स्थित माना जाता है, उत्तर पश्चिम भाग में स्थित माना जाता है। यहां तक किसी व्यक्ति का कोई डाउट निकला, क्लियर है कि ना है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, वो लेकर के चलते हैं कि हरियाणा का जो उत्तरी अक्षांश पड़ता है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है, हरियाणा का जो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक का जो उत्तरी अक्षांश जो पड़ता है ना, तो हरियाणा का जो उत्तरी अक्षांश पड़ता है वो कितना पड़ता है। ये क्वेश्चन जो अब मैं लिखने वाला हूं, ये नहीं पता कितनी बार एग्जामों के अंदर आए। तो हरियाणा का जो उत्तरी अक्षांश माना जाता है, ये उत्तरी अक्षांश माना जाता है 27 डिग्री। हरियाणा का जो उत्तरी अक्षांश माना जाता है 27 डिग्री 39 मिनट को माना जाता है। आपको ये क्वेश्चन फिर से याद रखना है, हरियाणा का जो उत्तरी अक्षांश माना जाता है कितना पड़ता है, 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 55 मिनट तक का। तो ये बात याद रखना, हरियाणा का जो उत्तरी अक्षांश जो माना जाता है ना, वो माना जाता है दोस्तों कितना, 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 55 मिनट तक का। फिर आप लोगों के मन में एक बात आएगी कि सर आपने ये चीज ये ऐसे निकाली क्यों, इसका कारण क्या है। अभी आपको ये बताता हूं, मान लेना ये हरियाणा का क्या है, मैप आता है।
हरियाणा का उत्तर से लेकर के दक्षिण तक का जो अक्षांश बिंदु निकलता है ना, वो मेरे दोस्त हम उसको क्या बोलते हैं, 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 55 मिनट तक का माना जाता है। बात क्लियर हुआ? ये तो क्या निकल करके आया, दो ही क्वेश्चन लिखवाए हैं, एक तो उत्तरी बिंदु निकल करके आता है, उसके बाद निकल करके आता है दोस्तों क्या, हरियाणा का जो पूर्वी देशांतर माना जाता है। कारण का मतलब उत्तर तक दक्षिण तक तो बता दिया, पूर्व से पश्चिम तक तो बताया जाएगा कि ना बताया जाएगा, चारों की चारों डायरेक्शन लेकर के चलना है। अब लिखना है हरियाणा का, हरियाणा का, हरियाणा का जो पूर्वी देशांतर माना जाता है, देशांतर माना जाता है हरियाणा का जो पूर्वी देशांतर माना जाता है, यह माना जाता है 74 डिग्री। ये क्या हो रखा है भाई आज मार्कर में, ये लो भाई, हरियाणा का जो पूर्वी देशांतर माना जाता है 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट का, 77 डिग्री 36 मिनट का। मैंने तीन क्वेश्चन लिखवाए हैं, पहला क्वेश्चन सात की सात बोलना है भाई, हरियाणा भारत के किस भाग में स्थित है, किस भाग में स्थित है, उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। हरियाणा का उत्तरी अक्षांश कितना माना जाता है, 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट तक का। और हरियाणा का पूर्वी देशांतर कितना माना जाता है, अरे बोलो जोर ना है मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को ये सोच रहा हूं कि कहीं ना कहीं किसी ने किस स्तर पर पहुंचाऊं, आप लोगों का आवाज ना निकलता भाई, जब तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकालोगे ना उसका कोई प्रॉफिट ना निकलेगा आप लोगों को। और अपने आप को मेरे दोस्त कह दिया कर गामवाली भाषा में, रगड़ना ही जिंदगी है मेरे भाई, झुंसा भाई नु सोचता हो ना मेरे दो सब कुछ है, कुछ नहीं भाई, फकीर आदमी है। और इस बात का अनुभव जब होगा भाई, जब एक समय पर सारी चीज छीन दिया जाएंगी, मैं गलत को ना कंधा, अरे भाई कोसा भाई नु सोचता हो ना, एक नंबर ना छोड़ो, दो नंबर वाला आदमी गणा कामयाब हो भाई, हमेशा वो आदमी कामयाब होगा जिसने पैड़िया पर कचर ना आवे है। गांव में घर में पैड़ी बना रखी होगी, जिन्ना बना रखा होगा, और कई था हमने ये भी देखे होंगे, लिफ्ट में जाने वाले आदमी भी देखे होंगे, जो आदमी एक बात मन नो बताओ, जो आदमी पैड़िया पे जावेगा, मान लो ये पैड़ी है, जो आदमी इन पैड़िया पे जावेगा और इन पैड़िया के बीच में जाकर उल्टा आ जावेगा, वो आदमी इन पैड़िया पे फिर याड़ा पोत सका है। जो आदमी पैड़िया पे चला गया, बीच में चला गया पैड़िया के बीच में, और बीच में जाए पछ वो उल्टा याड़ा आ गया, उल्टा फिर याड़ा जा सका है या ना जा सका, मन नू बता दो, जा सका है। और उस आदमी ने नू भी बेरा हो गई आरती चढ़ने में, उसने के कठिन ना आई, के ना आई, बेरा कनी बेरा है ये मने नू बता दो। जो आदमी लिफ्ट में ऊपर जाने की सोचेगा, जो आदमी लिफ्ट में ऊपर जाने की सोचेगा और बीच में जाए पछवा लिफ्ट खराब हो जा, वो आदमी लिफ्ट में के सोचेगा के बनगी मेरी गेल के ना बनगी भाई, चाहे तो राम नाम सत्य होना, सीधी बात तो यह है, क्योंकि उसको बाहर का कुछ पता ही ना। तो दोस्तों ये भी एक एजुकेशन जो है ना, आप धीरे धीरे हर चीज को सीखोगे ना, ऑटोमेटिक आप लोगों का बेस बनता जाएगा। और जिस दिन आप लोगों ने अपना बेस तैयार कर लिया ना, समझ ये जाना आधे से ज्यादा एग्जाम तो आप लोगों ने वहीं पर सोल्व कर दिया। आप लोगों को कई बार पता होगा, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, 30 से 40 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ऐसे होते हैं जिनका देख आप लोगों को उत्तर मालूम होता है, पता होता है कि ना होता है। लेकिन कई टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके बारे में बार बार अध्ययन करने से भी उनका हम कोई सोल्यूशन ना निकाल पाते, हमको वही तो सीखना है, सोल्यूशन कैसे निकलेगा कैसे ना निकलेगा, गलत तो नहीं है। तो बारीकी से पढ़ो, जब छोटा पढ़ोगे अपने आप
अपने आप बड़ा आप लोगों को याद होता जाएगा। तो तीन क्वेश्चन बताए हैं भाई। पहला क्वेश्चन यही बताया कि हरियाणा भारत के किस भाग में स्थित था, उत्तर पश्चिम भाग में स्थित था, नहीं है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया हरियाणा का जो उत्तरी अक्षांश माना जाता है कितना माना जाता है, 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट का माना जाता है। दूसरी बात मैंने आप लोगों को बताया हरियाणा का जो पूर्वी देशांतर माना जाता है 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट का माना जाता है। क्लियर है कि ना है? इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं तो एक एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन और आता है कि हरियाणा जो है ना, जो हमने ये हरियाणा लिखा है, हरियाणा का जो ढलान माना जाता, मतलब आप लोगों को ये तो मैंने बता दिया कि कैसा क्या था कैसा क्या ना था। फिर आप लोगों के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का ढलान, हरियाणा का जो ढलान माना जाता है, ढलान माना जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के अंदर आता है हरियाणा का ढलान कहां से लेकर के कहां तक है। समझे कि ना समझे? वो ढलान जो पूछता है ना, कई बार पूछ लेगा हरियाणा का जो ढलान माना जाता है उत्तर पूर्व से लेकर, हरियाणा का जो ढलान माना जाता है ये माना जाता है दोस्तों उत्तर पूर्व से लेकर, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक का है। हरियाणा का जो ढलान माना जाता है उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक का माना जाता है। तो इसके बाद जो हमने चौथा क्वेश्चन यहां पर लिखा है, ये क्वेश्चन लिखा है कि हरियाणा का जो ढलान बिंदु माना जाता हो कहां से लेकर कहां तक है, उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम तक का क्या माना जाता है, हरियाणा का ढलान माना जाता है। क्लियर है? अभी तक तो मैंने ढलान के बारे में बताया, हरियाणा किस भाग के बारे में बताया। अगर आपसे किसी ने ये पूछ लिया हरियाणा एक कैसा राज्य है, तो आप उसका उत्तर क्या दोगे? है कोई पूरी क्लास के अंदर जो मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, अगर आपसे किसी ने ये पूछ लिया कि हरियाणा, हरियाणा एक कैसा राज्य है, कैसा राज्य माना जाता है, पूरी क्लास के अंदर है कोई ऐसा जो मुझको ये बता सकता है हरियाणा के कैसा राज्य माना जाता है? क्या कृषि प्रधान राज्य? वो भी ठीक है, आप लोगों ने एक बात बोला कि हरियाणा जो है ना एक कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन अगर इस भौगोलिक स्थिति के हिसाब से पूछे हरियाणा के कैसा राज्य है, क्या क्या बोला आपने? स्थल रुद्र राज्य बोला उस लड़के ने, बोला कि ना बोला? मेरे दोस्त आपका क्वेश्चन बिल्कुल और बिल्कुल सही है, पर मुझको ये बता दे आपने देखकर तो नहीं बोला? जब आप इतना अच्छा पढ़ते हो तो पीछे बैठकर टाइम पास क्यों करते हो? पढ़ते ही चार पांच लड़के ऐसे हैं दोस्तों जिनके अंदर नॉलेज है, लेकिन का दिमाग और ध्यान रहता है मुस्कुराने में। दोस्तों इस मुस्कुराहट को कोई गलत ना समझ ले, बस मैं इतना कहता हूं, ठीक है ना? हर मुस्कुराहट के पीछे प्यार नहीं छिपा होता। कभी कोई मुस्कुराए ये सोचे कि मुझको मुस्कुराना आता है, मार खाएगा कहीं ना कहीं पर। तो भाई मैं आपको ये कहता हूं, कई लड़के हैं ऐसे जो पीछे बैठकर टाइम को वेस्ट करते हैं, पढ़ना अच्छे से जानते हैं भाई, और कई लड़के ऐसे हैं जो पढ़ते तो हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन वो लापरवाही से पढ़ते हैं। कहीं पर उनका कोई डाउट निकला तो ये सोचते रहते हैं कि कभी टीचर से पूछूं, कभी ये बेइज्जती ना कर दे। मैंने तो बेरा नहीं सामान रखा हूं, वो कह दिया अगर हरियाणा में जितने भी सेंट में कम से कम 4-5 सेंटर पढ़ाऊ, सारे का मेरा डहन वाला नाम काट रखा है। कदे मास्टर बेइज्जती ना कर दे, बेइज्जती ना कर दे, नुए बेइज्जती मेरा नहीं मनास्ती किसी की, मैं बेइज्जती करूं नु बताओ? सच बताओ आज ईमानदारी, तो मैं बेइज्जती सब तक, जब मैं बेइज्जती करूं थारी, थारी करूं कदे बेइज्जती? कहीं का सांस नहीं बैठ लिया। अरे भाई देखो, अगर किसी तक कुछ कह जाओ है ना भाई,
सही कह आ जावे है मेरे भाई, मन नू बेरा है थामने को नहीं बेरा, थारे भीतर टैलेंट कितना है, उस टैलेंट का हमने बेरा, थारे भीतर टैलेंट कितना है। अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर ली ना, कोई थारी जात पूछ लेगा ना भी, कोई जात नहीं, कोई सुंगण भी आंदा है, जाते मैं थारे पीछे लाग रहा हूं, पढ़ लो रहा है, पढ़ लो रहा है कि तो को कोई ना कोई थामने कि तो ना को पास कर देगा ना, तो भाई साहब नू समझ लियो तब कि तो पल्सन बनवान के भी लायक नहीं बनोगे, थर तो मैं पहले बतान लग रहा हूं। बहुत माड़ा टाइम आना, अब इतना माड़ा टाइम है तो आगे 4-5 साल के बाद देखो ना कितना माड़ा टाइम आओगा, आओगा कि नहीं आओगा, तो ये भी इतना माड़ा टाइम है तो आगे क्या होगा थारा रे। आज अपने शिष्य में जाकर देखियो थारा क्यों होगा आगे, सामने बेड़ा पाट दिया होगा। तो लिखना है हरियाणा एक कैसा राज्य माना जाता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, उस लड़के ने सही बताया था तो इसका उत्तर लगा कर क्या आना है, स्थल रुद्र राज्य माना जाता है। तो हरियाणा एक कैसा राज्य माना जाता है, आपको इसका उत्तर लगा करके जो आना, इसका उत्तर लगा करके आना है, हरियाणा एक स्थल रुद्र राज्य माना जाता है। क्लियर हुआ ये बात? ये मैंने छोटी छोटी उसके बारे में जितनी भी बेसिक बातें थी ना, आप लोगों को सारी की सारी बता दिया है भाई। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते तो कई बार मतलब अपने आप निर्भर है भाई, किसी दूसरे पर निर्भर ना है, समझे? तो हरियाणा जो देख ले पूरे इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर हरियाणा अपने आप में कोई ना कोई कहीं ना कहीं पर अपने परचम पर जरूर रहता है, रहता कि ना रहता है, हरियाणा एक स्थलरुद्र राज्य है, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम आपसे कोई क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, अगर हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं तो यहां से क्वेश्चन और एग्जाम के अंदर आएगा, और क्वेश्चन क्या पूछा एग्जामिनर ने कि हरियाणा के उत्तर में कौन सा जिला है, उत्तर में कौन सा जिला माना जाता है। फिर आप लोगों के एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया कि हरियाणा के उत्तर में कौन सा जिला माना जाता है, कभी राज्य लिख दो। मैंने यहां पर क्या लिखा है दोस्तों, जिला लिखा है। अगर आपसे पूछे हरियाणा के उत्तर में कौन सा जिला माना जाता है, तो इसका जो उत्तर लगा कर क्या आना, इसका उत्तर क्या लगा कर क्या आना है, पंचकुला माना जाता है। तो हरियाणा के उत्तर में कौन सा जिला माना जाता है, पंचकुला माना जाता है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, चार जिले निकलेंगे, उत्तर का, दक्षिण का, पूर्व का, पश्चिम का, ये चारों के चारों आप लोगों को याद रखने हैं। तो हरियाणा के उत्तर में कौन सा जिला निकला भाई, पंचकुला निकला। इसके बाद याद रखना है दोस्तों क्या, हरियाणा के दक्षिण में कौन सा जिला निकलता है। तो अगर दक्षिण का नाम पूछा जाता है तो ऐसे कितने हैं जो मुझको ये बता सकते कि सर मैं बताऊंगा दक्षिण के अंदर कौन सा जिला पड़ता है, है कोई पूरी क्लास के अंदर जो मुझको बता सके, गलत चाहे हो कोई दिक्कत ना, लेकिन आप लोग बोलो कि इसका जिला उत्तर क्या लगा करके आओगे। हरियाणा के अंदर एक जिला पड़ता है, उस जिले का नाम पड़ता है दोस्तों क्या, हरियाणा का नूह जिला। मैंने दो जिलों के बारे में बताया, एक तो बताया दोस्तों क्या हरियाणा के उत्तर में कौन सा जिला पड़ा, पंचकुला पड़ता है। फिर आप लोगों के सामने लिखवाया हरियाणा के दक्षिण में कौन सा जिला पड़ता है, तो दक्षिण में कौन सा जिला पड़ा, अरे बोलो नूह जिला पड़ा कि ना पड़ा। फिर मैंने दो डायरेक्शन तो लिखवा दिया, उत्तर की दक्षिण की। अब निकलती है दोस्तों क्या, हरियाणा के पूर्व में कौन सा जिला निकलता है, तो ऐसे कितने हैं जो मुझको ये बता दे हरियाणा का पूर्वी जिला कौन सा पड़ता है। सोच समझ कर बोलना, यमुनानगर लगा करके आओगे, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, पहला यमुनानगर और दूसरा सिरसा। अब आप लोगों का उत्तर बताओ, आप उत्तर क्या लगाओगे, बोलो जल्दी। यमुनानगर वाले कितने हैं और सिरसा वाले कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो लिखो हरियाणा का जो पूर्वी जिला जो है ना, उसका उत्तर पड़ता है दोस्तों हरियाणा का सिरसा जिला। लिखो जल्दी, अरे लिखना नहीं है निकम्मो,
कभी कोई साफ कॉपी में डिजाइन बनाकर लिख ले मैं गलत करवाने वाला इंसान हूं, तो उसे पूर्वी जिले का जो नाम पड़ता है ना, उसका नाम पड़ता है हरियाणा का यमुना नगर जिला। तो हरियाणा का पूर्वी जिला कौन सा है? अरे बोलो, यमुना नगर। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है हरियाणा का जो पश्चिमी जिला पड़ता है, हरियाणा के पश्चिम में कौन सा जिला है? चार जिलों के नाम लिखवाए हैं, पहला पंचकुला, दूसरा नूह, तीसरा यमुनानगर, तो चौथा कौन सा निकालोगे? उस जिले का नाम पड़ता है दोस्तों क्या? हरियाणा का गणाए प्यारा जिला नाम पड़ा दोस्तों के हरियाणा का शीर्ष जिला। क्लियर है कि ना? चार बात याद रखनी है भाई, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उत्तर में पंचकुला आ गया, दक्षिण में कौन सा आ गया? नू आ गया, पूर्व में कौन सा आ गया? ये बात होगी रहा करते को भी पीछे देखा है, क्यों आसन लाग रहा है? टूल टैक्स पर नौकरी दुआ दूं, रात की ड्यूटी है, कुछ नहीं करना, बस गाड़ी जाओ ना, गाड़ी का नन्नू करके बस स्माइल पास कर दिए, आप समझ जाएंगे इतना नौकरी की जरूरत है। एक बात बताओ यार, इतनी गहरी बात चाल रिदांत लाग रहे पाड़न यार, फिर नु को थम छोटा हो जी। दोस्त थारे खतरे में रहे हैं भाई, हमने अपनी एगत दिखा है, मारा नुकसान हो रहा, कदे थम ना सोच दे हो भाई। जो इंसान जीके पढ़ सका है वो सारी चीज पढ़ लेगा भाई, मैंने इंग्लिश को ज्ञान थी, कैमरे के सामने बोलने लग रहा हूं भाई। और नू ना सोचियो कि मैं नहीं पढ़ सकता, पढ़ सकू मैं गणी बढ़िया डाला पढ़ लूंगा भाई, लेकिन बचपन तक सिखाई को ना किसी ने। 12वीं क्लास में एक इंग्लिश में एक टॉपिक होया करता ना बेराव थामने, सुबू का पढ़ रखा होगा किसी ने? नू देख लो, जिस इंसान ने इंग्लिश नहीं आंदी वो टॉपिक दोस्तों मेरा आज भी याद है, सुबू वाज वेरी टैलेंटेड पर्सन, ही वाज कंसिडर्ड नंबर टू एट जेमिनी स्टूडियो, ही वाज टेलर मेड फॉर फिल्म, ही वाज एन अमेजिंग एक्टर। दोस्तों अगर उस वक्त मुझको कोई राह दिखाता ना, तो आज मुझको इंग्लिश आती आती कि ना आती? तो उस वक्त मेरे परिवार में कोई पढ़ा लिखा ना था, अनपढ़ थे भाई, माता पिता अनपढ़ थे, जो भी किया अपने दम पर किया। और यही बात मैं आप लोगों से बोलता हूं दोस्तों, जो भी आप लोगों को करना है अपने दम पे करके दिखाओ भाई, दुनिया वाले लोगों का मजाक भी उड़ाएंगे, उड़ाने दो। आपको कामयाबी उस दिन मिलेगी जिस दिन आपके आस पड़ोस वाले आप लोगों के ऊपर हंसेंगे। मैं खुद ये बात कह रहा हूं कि आप अपने ऊपर दुनिया को हंसवाओ, जिस दिन दुनिया ने आप लोगों के ऊपर हंसना शुरू कर दिया ना, तो समझ जाना दोस्तों आप कामयाबी की तरफ हो। हमेशा गांव के उस इंसान का जिक्र होता है जिस बच्चे के अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी होती है, इसके अंदर कोई क्वालिटी ना है का जिक्र कौन करेगा बताओ भाई? कर लेगा कोई? कोई ना करता। तो दोस्तों यही बात मैं आप लोगों को कहता हूं, अपने आप को जलील, खुद भी जलील करोगे ना, मोटिवेशन आप लोगों को जरूर मिलेगा। और मोटिवेशन ना लिया ना भाई, फिर बता दूंगा भाई, मैंने याद रखियो, अब फलाना आदमी यह बात कया कर था, नहीं तो कुछ ना करता, कारण है भाई, और कारण था हमने बेरा है, कारण था हमने बेरा है। थारते क्यों क्यों सबसे ज्यादा बेइज्जती थारिये क्यों करूं, इस बात का अनुभव होना चाहिए था हमने। थाम कद एक ले मां का मर तब पूछियो तो, अगर जी मेरी बेइज्जती क्यों करया करो इतनी, फिर बताऊंगा थारते क्या तक क्रिया करूं। तो हरियाणा के उत्तर में कौन सा जिला, दक्षिण में कौन सा, हरियाणा के पूर्व में और हरियाणा के दक्षिण में, सॉरी पश्चिम में, बात क्लियर हुआ? इसके बाद अगर आप लोग थोड़ा सा इसी के अंदर जाते हो तो आपसे ये पूछा जाता है हरियाणा के उत्तर में कौन सा गांव पड़ता है। सुना ध्यान से, हरियाणा के उत्तर में कौन सा गांव पड़ता है, हरियाणा के दक्षिण में कौन सा गांव पड़ता है, हरियाणा के पूर्व में कौन सा गांव पड़ता है और हरियाणा के पश्चिम में कौन सा गांव पड़ता है, बात क्लियर हुआ? अब लिखना है
हरियाणा के उत्तर में जो गांव पड़ता है ना, यहीं पर लिख देंगे, हरियाणा के जो उत्तर में गांव पड़ता है उस गांव का नाम पड़ता है दोस्तों क्या, शाहपुर पड़ता है। या बकदे साहब पर न याद रख लो इस रहनी तागले कन्या, हरियाणा के उत्तर में कौन सा गांव पड़ता है भाई, शाहपुर पड़ता है। इसके बाद लिखना है हरियाणा के दक्षिण में कौन सा गांव पड़ता है। देखो जिला तो कौन सा आया था, नूह आया था, यहाँ उत्तर में कौन सा जिला आया, पंचकुला, गांव कौन सा पड़ा, शाहपुर पड़ा। तो यहां पर दक्षिण में कौन सा गांव पड़ता है, उस गांव का जो नाम पड़ता है, उस गांव का नाम पड़ता है दोहान गांव। और ये दोहान गांव जो है ये पड़ा दोस्तों हरियाणा के एक जिले के अंदर, उस जिले का नाम पड़ता है हरियाणा का नूह जिला। तो ये बात याद रख लोगे, हरियाणा के उत्तर में कौन सा गांव है, शाहपुर गांव, हरियाणा के दक्षिण में कौन सा गांव पड़ता है, उस गांव का आपको नाम याद रखना है दोस्तों क्या, दोहान गांव। इसके बाद क्वेश्चन आया हरियाणा के पूर्व में कौन सा गांव पड़ता है, तो हरियाणा के पूर्व में एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम पड़ता है दोस्तों क्या, ताजेवाला। आपको पता होगा यमुना नदी का जो उद्गम स्थल ताजेवाला यमुना नगर से ही माना जाता है। तो हरियाणा के पूर्व में कौन सा गांव पड़ता है, उस गांव का नाम पड़ा दोस्तों क्या, ताजेवाला पड़ता है। इसके बाद आया क्या, हरियाणा के पश्चिम में कौन सा गांव पड़ा। इस क्लास के अंदर मेरे हिसाब से लड़कों में एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जिसको इसका उत्तर नहीं पता होगा। है कोई जो मुझको बता सकता है इसका उत्तर, कितने बता सकते हैं, एक लड़के ने हाथ उठाया। और कोई बता सकता है, इतने बैठे एक को ही मालूम है, पता सभी को जितने आप लोग बैठे। लड़कियों में कितनों को मालूम है, हाथ उठा सकती है भाई कि सर मुझको भी मालूम है, मुझको मैंने क्वेश्चन पढ़ा है। नहीं मालूम, केवल एक ही लड़के को मालूम है। चल दोस्त आप ही बता दो उसका उत्तर क्या है। तो उस गांव का नाम पड़ता है दोस्तों क्या, आपने एक नाम सुना होगा अभय चौटाला का नाम सुना होगा, दुष्यंत चौटाला का नाम सुना होगा, दिग्विजय सिंह चौटाला का नाम सुना होगा, नैना चौटाला का नाम सुना होगा। वो कोई गोत को न्या, वो एक गांव है और उस गांव का नाम पड़ा चौटाला गांव। और चौटाला गांव पड़ा है दोस्तों किंग है हरियाणा के एक जिले के अंदर, उस जिले का नाम पड़ता है हरियाणा का सिरसा जिला। यह बात ये भी याद रख लोगे, हरियाणा के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जिलों के बारे में हमने पढ़ लिया और उसके गांव के बारे में भी पढ़ा, कौन कौन सा आता है कौन कौन सा नहीं आता है। क्लियर हुआ यहां तक? ऐसा कोई है पूरी क्लास के अंदर जिसका कोई डाउट निकला हो? पूरी क्लास के अंदर अगर ऐसा कोई है कि यहां से हमारा डाउट बनता है तो दोस्तों हाथ उठा सकते हो, अन्यथा मैं आगे सफर की तरफ चलता हूं। चलें आगे, पक्का कर दिया जाए साफ इसको? तो चलिए भाई ये लो साफ कर दिया, मन कौन सा मटोना है, हाँ आंगड़ी मारा साफ सोता वो पहले हो अगर दोड़े बोर्डा पर रगड़िया जो आकर दिन घड़ा घड़ गड़ागर नूने वो शाही गणी खतरनाक हो अगर कमी भी बेमार दूर तो। इसके बाद लिखना है दोस्तों हरियाणा, अब लिखना है थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हरियाणा की सीमा, अब लिखना है हरियाणा हरियाणा की सीमा। ये कोई लड़की नहीं है भाई, कभी कोई लड़की सोच लो, हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से लगती है। लो भाई यहां से दोस्तों एक क्वेश्चन आया कि हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो इसका उत्तर लगाकर क्या आना है, पांच राज्यों से। लिख लेना हरियाणा की जो सीमा है ना वो कितने राज्यों से लगती है, पांच राज्यों से लगती है और दो केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है याद रखना है दोस्तों, कितने, दो। पहले केंद्र शासित प्रदेश का जो नाम पड़ता है, नाम सभी को पता है, दूसरा दिल्ली, पहला दिल्ली और दूसरा क्या पड़ता है, चंडीगढ़ पड़ता है। क्लियर है कि ना है? लेकिन मैंने अब तक आप लोगों को इनके पांच के बारे में नहीं बताया, आपको केवल इतना याद रखना है हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से लगती है, पांच राज्यों से लगती है, दो केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। अब इनके ऊपर और अगर किसी बच्चे ने रिसर्च कर लिया, सुना ध्यान से,
अगर इन पांच को और पढ़ लिया ना तो ये समझ जाना आप लोगों का टॉपिक क्या होगा, कंप्लीट होगा, आप लोगों को टॉपिक पूरा का पूरा याद होगा। लेकिन दोस्तों ये आसानी से याद नहीं हो। तो ये तो आपने याद रख लिया, हरियाणा की सीमा पांच राज्यों से लगती है और दो केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। अब बारी बारी से पढ़ते हैं कहां से क्या होगा, कहां से क्या ना होगा। सबसे पहले लिखना है हरियाणा के पूर्व में, लिखना है क्वेश्चन हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य पड़ता है। तो आप लोगों को पता है भाई, आप लोग इतने महान बैठे हो, हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य पड़ता है, तो उत्तर क्या लगा करके आओगे, उत्तर प्रदेश लगा कर आना है। तो हरियाणा का पूर्वी राज्य कौन सा पड़ा भाई, पूर्व में कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश पड़ता है। अब बात आई, ये तो पूर्व में आया, फिर आपको याद रखना है दोस्तों क्या, हरियाणा के दक्षिण में कौन सा राज्य है। लिखो जल्दी जल्दी, हरियाणा के दक्षिण में कौन सा राज्य है, कितने बता सकते हैं, अरे बोलो। तो उसका उत्तर लगा करके आना है क्या, राजस्थान। तो पहला निकल कर क्या आया भाई, कौन सा हरियाणा के उत्तर में कौन सा, पूर्व में कौन सा पड़ा, उत्तर प्रदेश पड़ता है, दक्षिण में कौन सा पड़ा, राजस्थान पड़ता है। फिर बात निकल कर क्या आया दोस्तों क्या, हरियाणा के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है। अब बता सकते हो कि मुझको पश्चिम में कौन सा है, पश्चिम में पंजाब है, सोच लेना दोस्तों। अगर गलत किया, लापरवाही किया तो नुकसान होगा आप लोगों का, मेरा कोई नुकसान ना है। आप जो मुझको बोलोगे मैं तो वही लिख दूंगा। बोलो हरियाणा के पश्चिम में कौन सा पड़ा, अरे बोलो। तो इसका उत्तर लिख लो जल्दी, पंजाब लिखना है भाई, लिखो जल्दी जल्दी। अरे लो निकमो, यकीन नाम की कोई चीज ना है, जब तक मेरा डायन वाला नाम काट रहे क्या, पंजाब नहीं, पंजाब लिखो जल्दी, पंजाब लिख लिया भाई, लिख लो ना जल्दी, यो ही काम लग गया होगा मना। हरियाणा के पश्चिम में कौन सा राज्य है, इसके बाद लिखना है दोस्तों क्या, पश्चिम में भी कौन सा पड़ता है, राजस्थान ही पड़ता है, कभी कोई पंजाब लिख ले, ठीक है ना। पहला पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में राजस्थान, पश्चिम में कौन सा पड़ा, राजस्थान। इसके बाद लिखना है हरियाणा के उत्तर में कौन सा राज्य पड़ता है, उत्तर में पड़ा दोस्तों हिमाचल प्रदेश, उत्तर में कौन सा पड़ा, अरे कौन सा पड़ा, हिमाचल प्रदेश। तो चार के बारे में बताया भाई मैंने, लेकिन चार में से दो कॉमन निकले कि ना निकले, पूर्वी राज्य कौन सा भाई, या तो सारे बोल लिया करो ना, कहीं क्वेश्चन खा जाऊंगा टॉपिक गिर लिया, देख लियो एक टॉपिक में तो 4% भी खा गया ना, नुकसान थारा ही है। अर्थात एक राज्य की बात और बताऊं, एक बाढ़ की वजह से मैं पूरी क्लास का नुकसान कराया करूं, हम ना बेरा हो, सच बताइए भी दोस्तों, एक आदमी की वजह से पूरी क्लास का नुकसान कराया करूं, या तो ये चीज अगर जिस दिन पेपर में आऊंगी ना गलत कर काओगे घर क्या, तो दूर की बात है, अपने आप तो शकल नहीं दिखा पाओगे। अरे भाई नुकसान उस भाई का होगा जो हड़प डना रहा है। तार तैयार और बता दू, इतने बालक में इस क्लास में दो ढाल के बालक बैठे हैं, एक पढ़निया दूसरा ना पढ़निया, झुमसा भाई चाहे आगे बैठता हो चाहे पीछे बैठता हो, अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है पढ़न का दोस्तों, यारी दोस्ती बाहर है क्लासरूम में कौन है भाई, अपनी भलाई खातर उस ग्रुप ने छोड़ दो जिंगा थारा नुकसान होने लग रहा है। हमेशा क्लास में उस आदमी का साथ पकड़ो जो थार तक कुछ ना कुछ सिखा सके। आज हकीकत बात बता दी, 100 रुपया की बात बता दी है, याद रखना 3 लड़के तो पीछे हैं, एक लड़का
बैठा है, अगर आप लोगों ने अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ा ना दोस्तों, एक दिन तुम लोगों का अंत बड़ा बुरा होगा, याद रखना इस बात को। तीन लड़के पीछे एक बीच में बैठा है, अगर आपने अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ा अंत बड़ा बुरा होगा, ये दोस्तों यकीन के साथ कहता हूं मैं भी। या तो सुधरो या मेरे दोस्त थोड़ा सा एजुकेशन की तरफ आओ। तो आप बोलो हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य आया? तो उत्तर पश्चिम में, सॉरी उत्तर में हिमाचल प्रदेश, पूर्व में आया पूर्व, दक्षिण में कौन सा आया और पश्चिम में कौन सा आया? बात क्लियर हुआ? इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, हरियाणा के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य पड़ता है? हरियाणा के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य पड़ा? तो उत्तर पूर्व में पड़ता है दोस्तों उत्तराखंड। उत्तर पूर्व में पड़ता है उत्तराखंड। अरे लिख ले यार, उत्तर पूर्व में कौन सा पड़ा? उत्तराखंड। अब फिर लिखना है हरियाणा के उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है, तब उसका उत्तर पंजाब लगा करके आना है। लिखना है हरियाणा के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है, अब इसका उत्तर आप क्या लगा करके आओगे? पंजाब लगा करके आना है। अब बात क्लियर हुआ कि ना हुआ? ये बिल्कुल सही है। मैंने कितनों के बारे में बता दिया? एक ये निकल करके आया, दो निकल करके आया, तीन निकल करके आया, चार निकल करके आया और पांच निकल करके आया। तो हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से लगती है? पांच राज्यों से लगती है। और हरियाणा की सीमा कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? आपको तो याद रखना है कितने, दो से लगती है। यहां तक किसी व्यक्ति का कोई डाउट हो तो दोस्तों बता सकते हो। आगे चलें भाई। अब ये बात आती है कि किसके साथ कितने जिलों की सीमा लगती है, ये भी तो इंपॉर्टेंट बनेगा। तो अब लिखना है हरियाणा की, लिखना है आप लोगों को, इससे अगला क्वेश्चन लिखना है कि हरियाणा की राजस्थान के, हरियाणा की राजस्थान के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? राजस्थान से हरियाणा के कितने जिलों की सीमा लगती है? राजस्थान से हरियाणा कितने जिलों की सीमा लगती है? तो उत्तर लगा करके आना है सात जिले, सात जिले। लिखो जल्दी जल्दी बोलूंगा भाई। पहले जिले का नाम लिखना है हिसार, पहला हिसार, कोमा फतेहाबाद, पहला हिसार कोमा फतेहाबाद। उसके बाद लिखो थारा सत्ता चैता जिला सिरसा। उसके बाद लिखना है भिवाणी। उसके बाद लिखो रेवाड़ी। उसके बाद लिखना है महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ के बाद लिखना है हरियाणा का नूह जिला। तो कितने जिले आए? सात जिले। पहला कौन सा आया? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। हरियाणा के राजस्थान से कितने जिलों की सीमा लगी? सात लगी। अब इसके बाद सटार लगा करके क्वेश्चन लिखना है और लिखना है हरियाणा का कौन सा जिला, हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के, हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला जो राजस्थान के चार जिलों से मिलता है? हरियाणा के ऐसे जिले का नाम बताओ जिसकी सीमा राजस्थान के चार जिलों से लगती है। हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा राजस्थान के चार जिलों से लगती है? तो उसका दोस्तों सही लिखवाऊं कि गलत लिखवाऊं? तो इसका उत्तर लिखना है हरियाणा का एक जिला नाम पड़ता है हरियाणा का
महेंद्रगढ़ जिला। अब यकीन भी कर लेना मैंने सही लिखा है, सच में सही है। हरियाणा के किस जिले की सीमा राजस्थान के चार जिलों से लगती है? महेंद्रगढ़ से। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है हरियाणा के, ये सीधा क्वेश्चन लिख लो, उत्तर प्रदेश से हरियाणा के कितने जिलों की सीमा लगती है? उत्तर प्रदेश से लिखा तावड़े तावड़े, उत्तर प्रदेश से हरियाणा के कितने जिलों की सीमा लगती है? तो उत्तर प्रदेश से मिला भाई हरियाणा के 6 जिलों की, राजस्थान से 7, हरियाणा के सॉरी उत्तर प्रदेश से 6, पहला लिखना करनाल, अला लिखो करनाल, करनाल के बाद पानीपत, पानीपत के बाद पहले नंबर पर लिखना था यमुनानगर, यमुनानगर से करनाल, करनाल से पानीपत, यमुनानगर की भी तो लगती है, यमुनानगर करनाल पानीपत सोनीपत, कितने हो गए भाई? 4 हो गए। उसके बाद लिखो पलवल, पलवल, और पलवल के बाद लिखना है दोस्तों फरीदाबाद। आप लोगों को पता होगा ना यमुना नदी फरीदाबाद से, फरीदाबाद में जाकर पूर्व की तरफ मुड़ जाती है और अलीगढ़ नामक स्थान यूपी के अंदर जाकर वहां पर उसके यमुना नदी के अंदर फिर से वहां पर जाकर उसके अंदर मिलते हैं यमुना नदी। यमुना नदी पूर्व के मतलब फरीदाबाद तक जाती है, याद रखना भाई। पहला यमुना नगर, दूसरा करनाल, तीसरा निकला दोस्तों पानीपत, पानीपत के बाद सोनीपत, सोनीपत आगे 2 जिले पड़े हैं, एक जिले का नाम पड़ा पलवल और दूसरे जिले का नाम के पड़ा, याद रख लोगे पक्का। राजस्थान के कितने थे? और भाई उत्तर प्रदेश के कितने? 6, याद रख लोगे। इसके बाद लिखो हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से हरियाणा के कितने जिलों की सीमा लगती है? यो लग दिया भाई हमने के हिमाचल प्रदेश लिख दिया, तो हिमाचल प्रदेश तो जो लगेगी ना वह लगेगी भाई 3 जिले की सीमा। पहला लिखना है यमुनानगर, पहला यमुनानगर, दूसरा लिखना है आप लोगों को पंचकुला, पहला यमुनानगर, दूसरा पंचकुला, और तीसरा लिखना है दोस्तों हरियाणा का अंबाला जिला। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर लिख लिया भाई। इसके बाद लिखो पंजाब से हरियाणा के कितने जिलों की सीमा लगती है? पंजाब से लिखो अब जल्दी जल्दी, पंजाब से हरियाणा के कितने जिलों की सीमा लगती है? तो उत्तर लगा का यो 6, पहला लिखना है पंचकुला, पंचकुला के बाद अंबाला, अंबाला के बाद कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद कत्थड़े, कत्थड़ के बाद सिरसा, और सिरसा के बाद फतेहाबाद। पहला कौन सा आया? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। क्लियर हुआ कि ना हुआ? इसके बाद लिखो उत्तराखंड से हरियाणा के कितने जिलों की सीमा लगती है? अब लिखना है दोस्तों उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड से लगती है 1 जिले की सीमा, उसका नाम पड़ता है दोस्तों क्या? हरियाणा का यमुना नगर जिला। उत्तराखंड से लगे कितने जिलों की सीमा? 1। कौन से की? यमुना नगर की। क्लियर होगी यह बात? क्लियर है ना भाई? इसके बाद लिखो, अब लिखना है सबसे लंबी सीमा और सबसे छोटी सीमा लिखना है। हरियाणा किस राज्य के साथ, हरियाणा किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? हरियाणा किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो आपको उत्तर लगाकर क्या आना है दोस्तों क्या? राजस्थान से।
करीब आवाज नहीं भाई 1262 किलोमीटर की। 1262 किलोमीटर याद रख लिया भाई। इसके बाद लिखना है सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ है। सबसे छोटी सीमा पाओगी भाई उत्तराखंड। सबसे छोटी सीमा उत्तराखंड 11 किलोमीटर, राजस्थान था 1262, उत्तराखंड से कितनी आई मात्र 11। इसके बाद लिखो हिमाचल प्रदेश से कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। हिमाचल प्रदेश से कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, तो उत्तर लगाकर क्या आना 50 किलोमीटर की। इसके बाद लिखना है पंजाब से हिमाचल प्रदेश से कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगती है 50 किलोमीटर की। पंजाब की सीमा लगती है कितने किलोमीटर की है, 250 किलोमीटर की। लिख लिया भाई। इसके बाद लास्ट लिख लो, हाँ 250 हिमाचल प्रदेश, 50 किलोमीटर, 250 किलोमीटर उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है 325 किलोमीटर की। लिख लिया भाई, 25 लिख चुके हो, काफी है आज लोग, आज के लिए इतना। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर।